आप देख सकते हैं ये फाड़ दिए गए। ये अगर कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये मुझे तशद्दद किया गया, इनको बहुत ज्यादा मारा गया। किन्होंने मारा, क्या वजह थी और क्यों मारा गया जी? और मैं तो अब बिल्कुल बायकॉट का ऐलान करता हूँ तरीके से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस वक्त हम कमेटी चौक में मौजूद हैं और जैसे इमरान खान साहब की तरफ से अनाउंस करदा जेल भरो तहरीक का आगाज रावलपिंडी से था और रावलपिंडी इन्हें के कमेटी चौक में गिरफ्तारियाँ दी हैं, लेकिन कुछ अनहोनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुख होता है। ये मेरे साथ एक सहावी भाई हैं, इनके साथ क्या वाक़या पेश आया, इनको बहुत ज़्यादा मारा गया, किन्होंने मारा, क्या वजह थी और क्यों मारा गया? सारा दिन से जैसे कि आप जानते हैं कि आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, कवरेज कर रहे थे, तो मैं भी अपने कवरेज कर रहा था अपने चैनल के चैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सुबह से मौजूद हूँ। तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक है उसको कवर कर रहे थे। तो यहाँ पे एक MPA है समाबिया तायर, उनके साथ एक लड़का था, मैं पब्लिक के व्यूज़ ले रहा था तो वो मुझे कहता जी आप कैमरा बंद करें। वहाँ पे पुलिस वाले कुछ गिरफ्तारियाँ कर रहे थे, वो पतंग फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे थे जो डॉल्फिन स्क्वाड थी रावलपिंडी शहर की। तो मैं उनकी कवरेज कर रहा था तो वो पुलिस वाले वहाँ पे गिरफ्तारी कर रहे थे तो बाकी मीडिया वाले भी खड़े थे, तो मैं इस तरफ खड़ा था तो मुझे समाबिया तायर के साथ जो MPA थी, जो MPA समाबिया तायर हैं, उनके साथ एक लड़का था जिसने मुझे जो है वो थप्पड़ मारा पहले, फिर ये मेरे कपड़े आप देख सकते हैं ये फाड़ दिए गए। ये अगर कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये मुझे तशद्दद किया गया, मुक्के मारे गए, मुँह के अंदर से भी खून निकला। अभी मुझे यहाँ पे जो है वो शदीद किस्म के जो है वो पंच मारे गए हैं जिससे मुझे यहाँ पे भी काफ़ी तकलीफ़ है। अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन वारिस खान, यहाँ पे करीबी पुलिस स्टेशन है। तो इस तरीके से तशद्दद किया गया, मुझे भी समझ नहीं आई कि ये PTI के वर्कर इस तरीके से ये क्यों इंतहा पसंदी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मुझे वहाँ पे गंदी गालियाँ भी दी गई हैं, मुझे वहाँ पे जो है वो ज़हनी तौर पे टॉर्चर भी किया गया है, शदीद किस्म के यहाँ पे मुझे पंच मारे गए हैं। मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन थे, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये टूट चुका है पूरी तरह से, और मेरे हाथ में माइक था, एक्सपेंसिव माइक था, और वो मेरा ट्राईपोड था, एक छोटा मिनी ट्राईपोड होता है हैंड कैरी, वो भी जो है वो टूट गया है। अब ये काफ़ी तकलीफ़ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर उनके कोई कारकुन है तो डेफिनेटली आप का हक है, कानूनी तौर पे आप जो भी करना चाहेंगे। मुझे ये बताइए कि आपको उसे क्यों रोका गया? देखें जी, समाबिया ताहिर साहिबा के पास मैं दोबारा गया कि भाई देखें जी आपके आपके होते हुए आपकी निगरानी के अंदर मुझे इस बंदे ने थप्पड़ मारा है और मैं ये बहुत गलत बात है। मैं जब उनसे बात करने गया हूँ तो इतने में समाबिया ताहिर मुझ पर चिल्लाने लगी, आप खवातीन के साथ बात कैसे कर रहे हैं, आपको पता नहीं है खवातीन के साथ ऐसे बात नहीं की जाती। फिर मुझे जब उन्होंने अपना यानी कि खवातीन वाला वो जो ये जो चीज़ होती है सामने वो लेकर आई हैं तो फिर उनके जो कारकुनान थे वो फिर एक बार सामने आए हैं और उन्होंने मुझे फिर वो पकड़ लिया है। अभी ये मेरा घुटना भी ज़ख्मी है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन मैं अभी इसका मेडिकल करवाऊँगा, जाके पता चलेगा क्या हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं थाना वारिस खान जा रहे हैं, एप्लीकेशन देते हैं इनके खिलाफ़, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी और इनकी ज़ुबानी सुनी, इनको मैं भी देख रहा था काफ़ी देर से, यहाँ पर ऑलरेडी कवरेज कर रहे थे और ये जब वाक़या हो रहा था तो हम भी छुड़वाने कोशिश कर रहे थे और उसके बाद हम थे अलग हुए और ये सूरत हाल जो है वो आपको अपडेट किए। तो मेरी समाबिया ताहिर साहिबा से भी गुजारिश है कि वो अगर इस वीडियो को देखती हैं तो आपसे और आपके जो मेम्बर्स हैं, जो आपके साथ मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उनको डेफिनेटली इस पर सॉरी करनी चाहिए और सॉरी बनती है। आपका नाम पूरा क्या है? जी तैयब गोंदल मेरा नाम है और काफ़ी टाइम से मैं PTI पॉलिटिकल सिचुएशन को कवर कर रहा हूँ और क्राइम को भी देखता हूँ और ये इंतहाई जो है वो भोंडा हथकंडा है जो कि PTI के कारकुनान और PTI की सीनियर लीडरशिप की मौजूदगी में एक सहाफ़ी पे जो ये हमला किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम सहाफ़ी बरदरी से कि इनका बाइकआउट किया जाए, ये इसी काबिल हैं और मैं तो अब बिल्कुल बाइकआउट का ऐलान करता हूँ तरीके से। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच।